डुअल रिंग ना सिर्फ ढीलेपन में फ़ायदेमंद है बल्कि जिन लड़कों का जल्दी निकल जाता है उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि ये इजैकुलेशन के बाद भी लिंग में तनाव बनाए रखती है। दोस्तों सोचिए कि आपका और आपके साथी का सेक्स का पूरा मन है, मतलब दोनों ही उन खास पलों को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं, बट आपके मन में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलन से पहले या मिलन के बीच में आपके अंग में ढीलापन आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से हेल्दी होते हैं लेकिन आपके अंदर का डर आपके हार्मोनल बैलेंस को ख़राब कर देता है और इसकी वजह से या तो आपके अंग में ढीलापन आ जाता है या इरेक्शन आता ही नहीं है या फिर आप वक्त से पहले ही फारिग हो जाते हैं। इस कंडीशन को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहा जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको रियली ढीलेपन की प्रॉब्लम है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की किसी ना किसी स्टेज पर आप हैं। तो अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अर्ली स्टेज पर हैं और हानिकारक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में ईडी रिंग या इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिंग या जिसको आम भाषा में पीनिस रिंग कहा जाता है आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। फ्रेंड्स बेसिकली ईडी रिंग सिलिकॉन से बनाई जाती है और ये वॉशेबल होती है, बार बार इस्तेमाल इसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्मूथ फ्लेक्सिबल और वॉशेबल होती है जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉपर डिवाइस अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वो चीज़ ही नहीं है जो उस काम के लिए बनी है, तब हम क्या करते हैं, हम कोई DIY सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब हमारे पास प्रॉपर डिवाइस नहीं होती है तो हम इधर उधर नज़रें दौड़ाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या इसका कोई इमरजेंसी सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पर सावधान रहने वाली बात यह है कि आप आसानी से सिलिकॉन रिंग की बजाय कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मामला आपके नाजुक अंग का है, कुछ लोग इसमें रबड़ बैंड इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ धागा बांधने की भी कोशिश करते हैं, बट इससे लिंग की नसों को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, पीनिस की त्वचा ख़राब हो सकती है और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपकी नासमझी से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे इमरजेंसी सोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ जो कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं जबकि आपके पास सिलिकॉन रिंग नहीं होती है। गाइज आप लेटेक्स कॉन्डम का इस्तेमाल करके घर पर ही सिलिकॉन रिंग बना सकते हैं और वही मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेटेक्स कॉन्डम नॉर्मली जो भी सफल सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं सभी के पास रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी और STI से सेफ्टी का सबसे प्रभावी उपाय होता है। सो आपको करना क्या है कि कॉन्डम को पैकेट में से निकाल लेना है, उसके बाद आपको एक कैंची या सीजर्स लेनी है। तो सीजर से आपको करना क्या है, आपको कॉन्डम का जो आगे वाला भाग है जिसको आफ्टर इजैक्युलेशन सीमन स्टोरेज के लिए बनाया जाता है, मतलब हर लेटेक्स कॉन्डम में एक आगे का हिस्सा निकला हुआ होता है जो निपल की तरह होता है, आपको इसको कैंची से काट देना है। दोस्तों जब ये हिस्सा कैंची से आप काट देंगे तो ये कॉन्डम एक रिंग की तरह हो जाएगा, मतलब आपको इसको अनफोल्ड नहीं करना है और इसको आप एक रिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको इसको सिर्फ पीनिस की शाफ्ट पर नहीं चढ़ाना होता है क्योंकि ये वहाँ से फिसल सकता है, इसीलिए आपको इसे टेस्टिकल और पीनिस दोनों की पीछे की तरफ तक चढ़ा लेना होता है। वहाँ तक जाने के बाद इसके स्लिप होकर नीचे गिरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो गाइज लेटेक्स कॉन्डम क्योंकि मुलायम ही होता है और अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में जबकि आपके पास सिलिकॉन रिंग नहीं है तो कभी कभी लेटेक्स कॉन्डम से रिंग बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको डबल सिलिकॉन रिंग के बारे में बताना चाहूंगी। गाइस सिलिकॉन रिंग यूँ तो कई तरह की होती है लेकिन डुअल रिंग ना सिर्फ ढीलेपन में फायदेमंद है बल्कि जिन लड़कों का जल्दी निकल जाता है उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है क्योंकि ये इजैकुलेशन के बाद भी लिंग में तनाव बनाए रखती है। डबल रिंग में से एक रिंग टेस्टिकल पर अटैच की जाती है और दूसरी शाफ्ट पर पहनी जाती है, साथ ही साथ इसमें एक वाइब्रेटर और डॉट्स भी होता है जो आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं चलती हूँ, जल्दी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।